नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम कमलनाथ के गृह जिले में सियासत गर्मा गई है। पुलिस ने छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी विवेक साहू समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। अचानक हुई इस गिरफ्तारी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बयान जारी कर सीधे मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सीएम कमलनाथ ने कराई है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वह लोकसभा चुनाव में मिलने वाली हार के डर से बौखला गए हैं। देखिए, हम पहले दिन से ही बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस हार की बौखलाहट में है और ये बौखलाहट अब इतनी बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वयं जहां से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और उनके साथ साथ काउंटिंग में जाने वाले सभी 22 एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आज उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि परसों काउंटिंग है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और एक भी काउंटिंग एजेंट काउंटिंग में ना जा पाए, इसके कारण से आज उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। जहां सभी पार्टियों को चुनाव के नतीजे का इंतजार है, वहीं प्रशासन ने मतगणना स्थल सहित प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 23 मई को मतगणना के दिन सीएम कमलनाथ संभावित दौरे पर छिंदवाड़ा आएंगे, जहां वे मतगणना पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कमलनाथ 22 मई की शाम को छिंदवाड़ा आएंगे और 23 मई को दिन भर मतगणना पर नजर बनाए रखेंगे। इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने मतगणना स्थल पीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी हैं। सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं खरीदी के मामले में छिंदवाड़ा जिला इस बार फिसड्डी साबित नजर आ रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री के लिए मात्र 4 दिन का समय बाकी है और अभी तक जिले में सिर्फ 20% गेहूं की खरीदी हुई है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 25 मार्च से शुरू होकर 24 मई तक होनी है। जिले में कुल 115 गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 60,532 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन मात्र 4,825 किसानों ने ही अपने गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचा है। कुल आंकड़ों की बात की जाए तो 2,78,000 क्विंटल गेहूं इस बार किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेचा है। लोकसभा चुनाव और छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में निर्वाचन प्रेक्षक सतीश महादेव लोखंडे, ज्योति कलश और राजीव गुप्ता की उपस्थिति में निर्वाचन संबंधी बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि मतगणना स्थल पीजी कॉलेज में 23 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भरत यादव, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, रिटर्निंग ऑफिसर और जिला पंचायत सीईओ अनुराग सक्सेना, अतिरिक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कविता बाटला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक गर्ग, लोकसभा निर्वाचन के सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम, सभी नोडल अधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।